रतलाम जिले के जावरा में रहने वाले अधिवक्ता ओम प्रकाश बघेरवाल द्वारा महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को राजस्व न्यायालय की मनमानी के चलते एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 व 178 के अंतर्गत चलने वाले प्रकरणों का अधिकार क्षेत्र राजस्व से सिविल न्यायालय में किया जाए, क्योंकि जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों द्वारा इन धारा के बने नियमों का पालन किए बिना अपने मनमाने तरीकों से काम करते हुए इन प्रकरणों में आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसके चलते पक्षकारों के बीच व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आपराधिक एवं सिविल प्रकरणों में बढ़ोतरी होती है। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व निर्णय 2003 पेज 162 बजरंगी विरुद्ध बद्रीबाई व अन्य में यह अभी निर्धारित किया है कि तहसीलदार के आदेश न्यायिक आदेश नहीं है और यह न्यायालय भी नहीं है, और ऐसे आदेश धारा 111 भूमि राजस्व संहिता के अधीन सिविल वाद के अधीन है व नामांतरण बंटवारे के प्रकरण काफी गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके चलते ऐसे आदेश इनके द्वारा पारित करने से पहले ही इसका मूल्य तय हो जाता है। संबंधित राजस्व अधिकारी कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना अपने निजी स्वार्थ के चलते आदेश पारित कर देते हैं, जिसके चलते सही पक्षकार न्याय से वंचित हो जाता है। यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित किए गए आदेश की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाई जाए तो उक्त सच्चाई सामने आ जाएगी। राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरणों में विधि की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। राजस्व अधिकारियों द्वारा नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों में अपने मनमाने तरीकों से आदेश पारित किए जा रहे हैं। अभी भी जावरा तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों में किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है व अपने मनमाने तरीकों से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते राजस्व न्यायालय के प्रति आम जनता का मान सम्मान दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि इन सभी कारणों के चलते इन प्रकरणों को राजस्व से सिविल न्यायालय को अधिकार दिया जावे, जिसे पक्षकार व्यर्थ के व्यय एवं मुकदमेबाजी से बच सके और पक्षकार को समय रहते न्याय प्राप्त हो सके। सर, आपके द्वारा राज्यपाल जी को एक जो है आवेदन दिया गया, क्या कुछ मामला है और किस तरह से जो है आवेदन दिया? राज्यपाल जी को मैंने आवेदन दिया है कि नामांतरण और बंटवारे के प्रकरण में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है जी, और पक्षकारों को न्याय नहीं मिलता है जी, और अंततः सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है जी। ऐसी स्थिति में इनके अधिकार लेकर सिविल कोर्ट को दिए जाएं, जिससे कि पक्षकार भ्रष्टाचार से, व्यर्थ की मुकदमेबाजी से और समय से बच सके। मतलब ऐसा कोई मामला त्वरित मामला हुआ है? प्रतिदिन ऐसे मामले होते हैं। यदि तहसील न्यायालय के प्रकरणों की न्यायिक जाँच हो तो कई प्रकरण ऐसे उजगार होंगे जिसमें कि भ्रष्टाचार के आधार पर आदेश पारित किए गए हैं और पक्षकारों को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको, आपकी जो आवेदन से राज्यपाल जी इसमें संज्ञान लेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी, चूंकि देश में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, लोगों में मुकदमेबाजी बहुत बढ़ रही है, इसलिए इस पर विचार करके और वो जरूर इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रतलाम से JD बैरागी वैष्णव की रिपोर्ट।